हेलो फ्रेंड्स, खंदेश गोट फार्म में अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हमने कई बार लोगों को ऐसे या किसान भाइयों को ऐसे बात करते हुए सुना है कि हम लोग भाई सिर्फ ब्रीडिंग के लिए काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। कौन लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग प्योर ब्लड लाइन में ब्रीडिंग कराते हैं और उसी के साथ काम करते हैं। सभी बातें ठीक है अपने अपने लेवल पर मैं एक बात कहना चाहूंगा किसान भाइयों से कि इन सभी अलग अलग तरीकों से जब भी हम लोग कोई बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं तो इनमें एक जरूरी बात आती है। ये बात होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कडिंग एंड सिलेक्शन या सिलेक्शन और कडिंग। इसका मतलब क्या होता है? तो अपने पास जितने जानवर है अभी, इन सभी जानवरों में से अपने को क्या करना है, आगे अपना जो भी बिजनेस है गोट फार्मिंग का, ये चलाने के लिए इन फ्यूचर के लिए कुछ जानवर जो अपने पास है, जो बच्चे अपने पास जन्म लिए हुए हैं, इन बच्चों से कुछ बच्चों को अपने को सिलेक्शन करना है प्रॉपर तरीके से आगे संभालने के लिए, और कुछ बच्चों का निकाल देना है, उनको बेच देना है। क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से उनका उतना क्वालिटी नहीं है जितना होने को होना था। तो ये जो तरीका है, ये तरीका आपके बिजनेस को ज्यादा कारगर करता है भविष्य में। आपके पास अगर 20 बच्चे जन्म लेते हैं और आप 20 के 20 बच्चों के साथ इन फ्यूचर बिजनेस करना चाहते हो, उनको संभाल के, मतलब 20 फीमेल गोट्स आपके पास जन्म लेती है और आप 20 के 20 गोट्स के साथ काम करना चाहते हो, तो ये मतलब बहुत कम मायने रखता है कि आप कितने सक्सेस होगे। क्योंकि 20 गोट जो जन्म ले रही है आपके फार्म पे, वो 20 की 20 गोट उस क्वालिटी की है या नहीं है, ये जब तक आप नहीं देखते हैं और उस इनमें जो क्वालिटी जानवर है वो संभाल के, बाकी जो आपको अच्छे क्वालिटी के नहीं लग रहे उन जानवरों को जब तक आप नहीं निकालते हैं, तब आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस वीडियो के दौरान हम लोग वही देखेंगे कि भाई कौन से जानवरों का सिलेक्शन करना है भविष्य में संभालने के लिए, और कौन से जानवर निकाल देना है अपने फार्म पर से, जिससे कि आपको इन फ्यूचर अच्छा मुनाफा होए। क्योंकि लो क्वालिटी जो जानवर रहेगा उसके ऊपर खुराक या बाकी चीजों का खर्चा करके आपको वो ज्यादा लाभदायी नहीं रहने वाला है, और उससे आगे चल के जो भी नस्ल आपके यहाँ पे आएगी उन जानवरों से जिनकी क्वालिटी नहीं थी, उनके साथ में अगर काम करते रहे तो अच्छी नस्ल आपके पास नहीं आएगी। इसलिए हम लोगों को सिलेक्शन और कडिंग, मतलब अपने को जानवर संभालना है जो क्वालिटी है, और जो क्वालिटी के नहीं उनको निकाल देना है, बेच देना है। अभी इसमें तीन तरीके हैं कि कौन से जानवर हम लोग संभालेंगे और कौन से अपने ग्रुप में से निकाल देंगे, फार्म पर से निकाल देंगे। तो पहला तरीका है जिसमें बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि हम लोग ब्रीडिंग के लिए काम करें, जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर्स गोट बोर गोट के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर प्योर लाइन सिरोही में काम कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं सोजत में, जमुनापारी में, बारबरा में। तो हम लोगों को क्या देखना है? अभी हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो हमारे पास में ये सामने दो ब्राउन कलर का सिरोही के बच्चे खड़े, दोनों फीमेल है और बहुत ही अच्छा इन्होंने वजन बनाया हुआ है। अगर इन जानवरों के हिसाब से इस बच्चे को हम लोग देखते हैं तो इसमें वेट भी कम है, क्वालिटी भी नहीं, देखो इसके आग भी थोड़ी खराब है, इसको बार बार आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, और वेट में भी बहुत कम है। अगर उन हेल्दी जानवरों को देखते हैं हम लोग, ये बच्चे को देखो, अभी ब्राउन कलर का ये बच्चा जो सामने दिख रहा है अपने को, और उसके पीछे ये बच्चा, एज सरी का है, देखो हाइट में भी कितना डिफरेंस है फ्रेंड्स, हाइट में वेट में कितना डिफरेंस है। ये सभी जितने बच्चे ये ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिनों के अंदर जन्म ले चुके हैं। अब 15 से 20 दिनों के अंदर जो दो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें अगर इतना डिफरेंस आ रहा है, तो जब भी हम प्योर लाइन में काम कर रहे हैं तो हमारा मतलब हमें क्या करना है, तो वो सामने जा रही जो गोट्स है ब्राउन कलर की, ये वाली, ये ब्राउन गोट, इनको सिलेक्ट करना है फ्यूचर के लिए। ये फीमेल से तीनों भी, ये दोनों ब्राउन ए भी और ये छोटी वाली ब्राउन भी, तो इन दोनों को हम लोग संभालेंगे और इसको अपने फार्म से निकाल देंगे। तो जब भी प्योर लाइन में काम कर दीजिए, उसी तरह से अगर हम बोयर में भी काम करें, अपने को प्रॉपर और अच्छे रिजल्ट वाला जो बच्चा रहेगा वो साथ में रहेगा। अपने पास अगर क्रॉस ब्रीडिंग में भी कुछ बच्चे हैं करते हैं कुछ लोग, तो भी
उसी तरीके से काम करना है। अगर हम लोग वही देखेंगे स्पॉटेड में, ये सिरु स्पॉटेड मेल है और ये, हाँ ये बच्चा जो है स्पॉटेड लास्ट वन वाला, ये भी मेल ही है। अभी इसमें अच्छी शाइनिंग है, वेट भी हाइट भी अच्छी है कंपेयर टू दिस किड्स। अगर इसको साइड में लगा देते इसी के, वन मिनट, हाँ तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है। ये बच्चे की हाइट भी कम है, वजन भी कम है इस बच्चे से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बच्चे को निकाल देंगे, इसको कटिंग कर देंगे और ये बच्चा सिलेक्शन में रहेगा इन फ्यूचर के लिए। ये फर्स्ट पार्ट होगा जब भी हम लोगों को ब्रीडिंग में काम करना है तब। अब सेकंड क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमको बकरीद के लिए काम करना है बोले। अभी बकरीद में काम करते टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो छोटे बच्चे लेके आते हैं मेल बक्स बाजार से, कई फार्म से। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अगर 10 बच्चे खरीद के लाते हैं और हम लोग अगर ये सोचते हैं कि हम इन 10 बच्चों को फुल्ली बकरीद के लिए रेडी करेंगे, उनको सेल आउट करेंगे, पर आपके पास अगर इन फ्यूचर पहले सिलेक्शन का कोई पार्ट नहीं है, आपको इसमें ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, जो लोग अच्छे से वर्कआउट करते हैं इनमें उन लोगों को कोई अड़चन नहीं है, जो सालों से बकरीद में काम कर रहे, जो प्रॉपर बच्चे खरीदते हैं। अभी तो किसान क्या करते हैं, जो सस्ता माल मिले या कम दामों पे जो बच्चे मिले उनको परचेस करते हैं और उनको बकरीद के लिए संभालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाई ऐसे कोई जानवर आपके पास आए, सभी के सभी को आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो और बाद में आपको साल भर बाद में सब पता चलेगा कि इनमें कुछ खास रिजल्ट नहीं है, फिर इन जानवरों को आपको मतलब अच्छे दामों में पैसा नहीं बनता है उनका। तो हम लोग जब भी फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 अगर जानवर लाते हैं, हम लोग महीना डेढ़ महीना उनको संभालेंगे और आपको महीने डेढ़ महीने में जिन जानवरों में अच्छी वजन मिलेगी, जो दिखने में अच्छे खूबसूरत है, सेटल हो गए आपके फार्म पे, तो उन जानवरों को आप संभालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, बकरीद में मोस्टली जो है बोर से क्रॉस कराए जो लोकल ब्रीड्स रहती है या कुछ ऊंची नस्ल वाली बकरियां रहती है, उनमें हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं और उनके बच्चों को मैक्सिममली संभालते हैं। बाकी फार्मर बाहर से प्योर लाइन गोट्स भी लाते हैं, सिरोही के बच्चे लेके आएंगे, सोजत के लाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर जो नस्ल है उसके साथ में क्रॉस ब्रीडिंग भी संभालते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास में जो बच्चा है, अभी ये बोर क्रॉस बच्चा है, देखो इसकी खूबसूरती अभी से, इन बच्चों को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही साथ में कलर भी फुल व्हाइट है, हेल्थ भी अच्छी है, वजन भी अच्छा पकड़ रहा है, तो इनको कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही साथ में ये भी बच्चा है, देखो इसके फुल बॉडी व्हाइट है और मुंह पे एक पैच आया है, उस कारण स्ट्रक्चर में अच्छा दिखता है ये मेल, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। ये कोटा का बच्चा है, ब्लैक विथ ब्राउनी स्पॉट्स, लंबे कानों के साथ में, इस बच्चे को भी कंटिन्यू करेंगे। पर ये जो प्लेन ब्लैक कलर में जिन्होंने गर्दन लेके आई है, ये बच्चे दिखने में खास नहीं, वेट में भी कुछ अच्छे नहीं है कंपेरेटिव, अभी हम लोग अगर देखें तो ऐसे बच्चे भी हम लोग निकाल देंगे। तो हमारा किसानों से हुए एक अनुरोध है कि आप जब भी आपके खुद के फार्म वाले बच्चे रहे या बाहर से बच्चे खरीद के ला रहे हैं और जिनके साथ में आपको काम करना है बकरीद के लिए, उनको सभी को संभालने की कोशिश ना करें। आप उनको लाइए, एक महीना डेढ़ महीना सेटल करते हैं, अच्छे से आप उनको संभालते हैं, तो उसके बाद आप उन बच्चों में स्टडी करो और उसके बाद में आप देखो कि जो दिखने में भी खूबसूरत है, वजन भी तेजी से बना रहे हैं उन बच्चों में। अब ये ब्राउन कलर का बच्चा है, बोर क्रॉस बच्चा है, वेट भी बहुत अच्छा पकड़ रहा है बच्चा। अभी इसका वेट है तकरीबन 18 किलो, अभी इसकी एज है 50 डे का ये बच्चा है आज, और इसका वजन है अभी 18 किलो, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ रहा है ये बच्चा। इसकी मदर जो है वो 50% बोर है और इसका फादर जो है वो 100% निमकर फार्म से परचेस किया हुआ मेल है, तो इसने वेट बहुत ही अच्छा पकड़ा हुआ है, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग इन तरह के बच्चों को साथ में संभालेंगे। हाँ, और ये बच्चों के साथ में हो गया, साथ ही साथ में आपको जो हमने बताया था कि तीन पार्ट है, तो थर्ड पार्ट ये रहेगा, आपके पास जो मैच्योर गोट्स है जिनसे आप बच्चे जन्म दे रहे हैं, जिनसे दूध निकाल रहे, इन बच्चों के अंदर, इन फीमेल्स के और मेल्स के अंदर आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके फीमेल पे फार्म पे जो मैच्योर कोई गोट्स है उनमें अगर आपको पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं मिल रहा,
कोई बकरी आपको बार बार मतलब कमजोर बच्चों को जन्म दे रही है, कोई बकरी को दूध ही नहीं है, आप अच्छा खुराक दे रहे हैं फिर भी उसको अच्छा दूध नहीं आ रहा है, तो इन सभी जानवरों को आप आपके फार्म से निकाल देंगे। और जिन बकरियों में आपको अच्छा दूध है, जिनमें बच्चे अच्छे वजन के जन्म दे रहे हैं, जिनमें ज्यादा जुड़वा होते हैं, ऐसे सिलेक्ट किए हुए कुट्स गुट्स रहेंगे, इन सभी बकरियों को आपको संभालना। तो किसानों, ये तीन तरीके से आप जब भी जानवरों को सिलेक्ट करेंगे, ब्रीडिंग फार्मर्स रहे या इनमें, अभी जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग तो मटन के लिए बेचते ही नहीं जानवर, हम लोग तो सिर्फ ईद के लिए बेचते हैं, पर आप अगर जिन जानवरों में वजन ही नहीं बढ़ रहा है, ऐसे जो बच्चे हैं उनको अगर संभालने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको बकरी में खासा कुछ अच्छा मुनाफा होगा। आपको सिलेक्शन करना प्रॉपर जानवरों का और उनको बेचना प्रॉपर तरीके से, ये ज्यादा जरूरी है किसान भाइयों। तो मेरा अनुरोध है, इस तरह से अगर आप आपके फार्म पे काम करते हैं तो आपको इन फ्यूचर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।